हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 28 दिसंबर की yes, कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। सब लाइव है? यस सर। तो ये बताइए किस किस का लाइट जला है टेट की क्लास में? सब सबका। सबको? यस सर। कोई भारी काम है क्या लाइट? नहीं सर। हेलो? नहीं सर। भारी काम है क्या? नहीं सर। ये बताइए, बिल्कुल सिंपल, सिलेक्ट सर्किट, सर्किट वन, सर्किट टू? यस सर। पीएमआई, पीएमएल? यस सर। 63P? यस सर। D5 से लेंगे D8 तक? हेलो? यस सर। D9? यस सर। कौन कौन बना लेगा? हम सर। सब बना लेंगे? यस सर। अगर किसी टेक्नीशियन ने ये, देखो ये सेक्शन बहुत छिड़ा हुआ था लाइट सेक्शन पर, यस सर, ये सेक्शन छिड़ा हुआ था, अगर फील्ड लाइट भी छिड़ती तो बना सकते हो? यस सर। बना सकते हो? यस सर। बना सकते हो? यस सर। सर आप बना सकते हो? यस सर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर तुम्हारे पास कोई सी ऐसी नहीं हो तो मॉडिफाई करके ऐसी लगा सकते हो? जी सर, मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। यस सर। वो नॉलेज है? यस सर। वो इसकी ले आपके पास? यस सर। चलिए ठीक है। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी वेस्ट से हूँ। जी बताइए। और आज हमारा लाइट सेक्शन का क्लास था सर सुबह मॉर्निंग में। हाँ। और हमें सर ने, देव सर ने हमें मतलब बहुत अच्छे समझाया उसमें लाइट सेक्शन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कोयल्स होती है, रजिस्टर्ड होता है, और कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, उनकी सप्लाई कैसे कैसे होती है। अगर किसी के पूरे मतलब पीसीबी के अगर प्रिंट भी खुले हुए तो हम उनको खुद सेल्फ से बना सकते हैं। सर ने उस तरीके से हमें समझाया कि किसी भी फ़ोन का, कोई भी फ़ोन हो, हर फ़ोन का हम लाइट सेक्शन बना सकते हैं। और उसको देखना मतलब ट्रेसिंग करना, एक तो वोल्टीमीटर द्वारा या किसी मतलब DSO द्वारा टेस्ट चेक करना है, बट हम विदाउट उसके भी चेक करके बता सकते हैं पूरे PCB के अंदर के लाइट सेक्शन कहाँ है। इतने अच्छे मतलब अच्छे से बताया सर ने हमें प्रैक्टिकल, और वैसे भी सब समझाया। बाकी फिर हमने प्रैक्टिकल में सारे मतलब 2-3 फ़ोन थे उनमें हमने खुद प्रैक्टिकल किया, सर ने भी हमें प्रैक्टिकल कराया सर। अच्छा ये बताइए मेरे को कि यहाँ से आने से पहले क्या काम करते थे आप? सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। कहाँ में जॉब करते थे? बैंक में हूँ सर। एक बार जरा जोर से बताइए। मैं बैंक में हूँ सर, SBI बैंक में। SBI बैंक में जॉब करते थे? यस सर, करता हूँ सर, अभी भी करंट में लीव पे हूँ। अभी भी करते हो? यस सर। तो कुछ एक्सपीरियंस था क्या? नहीं सर, मुझे कोई एक्सपीरियंस। क्या क्या अभी इतनी क्लासों में क्या क्या कर लेते हो आप? सर मुझे बहुत एक्सपीरियंस। शुरू से बताओ। यस सर। क्या क्या कर लेते हो आप? मैं मतलब मुझे पीसीबी के अंदर, फोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में सारी नॉलेज है। बाकी फोन के अंदर जितनी भी IC होती है, फोन को फोन के नाम से नहीं, उसके जो CPU होते हैं, MTK का होता है, क्वालकॉम होता है, MediaTek का होता है, जितने भी सारे CPU है उनके बारे में और जितने पार्ट्स होते हैं उनके मुझे डीपली मतलब नॉलेज है सर। सर ने मैं इस तरीके से पढ़ाया कि मैं एज ए बिल्कुल फ्रेशर हूँ, बट मुझे बहुत सारी मतलब बहुत नॉलेज है। अभी तो बहुत, अभी 6 डेज हुए शायद, तो हमें मतलब अभी तो पूरा 24 डेज हो रहे हैं, तो मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर, कुछ नहीं बचेगा। एज ए कोई भी फ्रेशर अगर आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है एशिया टेलीकॉम। और एशिया टेलीकॉम के अंदर वो मतलब वो पढ़ाने का स्किल है कि कोई भी फ्रेशर बंदा अगर यहाँ आएगा तो एक मतलब टॉप मतलब इंजीनियर बोल सकते हैं, टेक्नीशियन बोल सकते हैं, बन जाएगा सर। यस सर। स्लाइड नॉलेज देते हैं आपको? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा दूसरी बात ये बताइए मेरे को कि अभी लाइट में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, नहीं सर, परेशानी नहीं सर। अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। यस सर। और CPU हुआ, पावर ICU, जितनी भी हमने सब मतलब सबसे पहले सब निकाल के ऑन फोन से निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा से लगाया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत सिंपल। 28 और 4 31, और आज कितनी तारीख हो गई? 4। ये सर 4 तारीख हो गई। 4 दिन उधर के, 4 दिन इधर के, 8 दिन में दीपक बदल चुका है? बिल्कुल सर, डिफरेंट, एकदम टेक्निकल बंदे बन जाएंगे सर। टेक्निकल बंदे जो आज से कुछ समय पहले बैंक में काम करने वाला इंसान टेक्नीशियन बन गया। ये सर मुझे कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी एज ए फ्रेशर बिल्कुल, और इस फील्ड के बारे में मतलब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कोई भी स्किल नहीं थी मेरे अंदर। बट अभी जब मैं जाऊँगा ना तो मतलब ये इतना स्किल मेरे अंदर आ जाएगा, मैं किसी फ़ोन को फाइंड आउट करके उसकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ सर, और किसी फ़ोन को बना सकता हूँ। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर नमस्ते, मेरा नाम अंकुर सिंह, मैं UP का जॉब से। हाँ जी अंकुर, ये बताइए यहाँ से आने से पहले ये सारे काम कर पाते थे आप? यानी तो क्या लेवल था आपका, फ्रेशर थे कि मतलब एक्सपीरियंस होल्डर थे? सर एकदम जीरो लेवल पे। सर जीरो लेवल पे। सर ये ना बता कि PCB हो गया है? PCB भी मालूम था? नहीं सर बिल्कुल ही ना। बताइए मेरे को। और सर आज इस लेवल पे हूँ कि मतलब कि एक के कंपोनेंट्स निकाल के लगा सकता हूँ, और मालूम भी है कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करे। कौन से कंपोनेंट क्या काम करे? अभी तक जो भी सेक्शंस हो गए किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? मैं लाइट की बात करूँ, ग्राफिक्स की बात करूँ, ऑडियो की बात करूँ, BSI थर्म की लाइन की बात करूँ, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर बिल्कुल। कंपोनेंट में दिक्कत? नो सर। CPU निकालने लगाने में दिक्कत? नहीं सर। MMC निकालने लगाने में दिक्कत? नहीं सर। पावर निकालने लगाने में दिक्कत? नहीं सर। सर आज हमारा
लाइट सेक्शन था और उसमें चाहे फिर 63P हो या फिर 89 हो, 88 हो, 89 हो, सर इजिली कोई सा सर्किट 102 हो इजिली बना सकते हैं सर। ठीक है, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। तो नाम बताइए अपना। जी नितेश कुमार। कहाँ से हो भाई? अयोध्या से सर। अयोध्या से? यस सर। नितेश, इसके पहले सीपी वगैरह लगाते निकालते थे? जी, जी मैं टेलीकॉम ज्वाइन करने से पहले सर मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर? यस सर। और फ्रेशर 28 तारीख से क्लास ज्वाइन करी? आज कितनी तारीख हो रही है? आज सर 4 तारीख हो रही है। 4 तारीख हो रही है तो 28, 29, 30 और 31, 4 दिन उधर के, 4 दिन उधर के, 8 दिन। यस सर। 8 दिन में तुम्हारे क्या पोजीशन है बताइए आप मेरे को। सीएनजी बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है। जैसे बताओ फॉर एग्जांपल अगर कंपोनेंट की पूरी पहचान है आपको, yes, sir, किसी भी से पूरा कंपोनेंट पहचान सकते हैं सर। उसके बाद सर सीपीयू पीसीबी और सर सब पूरा पहचान है। पूरा पहचान yes, है। अगर मैं बोलूं कि पावर निकाल दो, सीपीयू निकाल दो, एमएमसी निकाल के लगा दो, yes, sir, तो लगा सकते हैं? लगा सर, लगा सकते हैं। कितने परसेंट? 100%। 100%? यस सर। अच्छा, पीएसआई, पीथरम और आरडीओ की और आज कल ग्राफिक्स की और आज लाइट की क्लास हुई तुम्हारी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ट्रेसिंग कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज वाइज डीएसओ डीओसओ से चेक करना? यस सर, डीएसओ चेक कर सकते हैं सर, सब चेक कर सकते हो? सब चेक कर सकते हैं। जी सर, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, देवसर को। बस मोहम्मद फरमान सर, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले से। हाँ जी फरमान बताइए। जी सर, आज सर देव सर के साथ हमारी लाइट सेक्शन की क्लास थी। हाँ जी। बहुत भारी लगता था सर लाइट सेक्शन, हम बना नहीं पाते थे जब हमारी शॉप पे लाइट सेक्शन का कोई भी काम आता था, रिटर्न पकड़ाना पड़ता था। लेकिन आज उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई भी D8 IC हो, D9 हो, या मतलब 6 लैग हो, या PM PML कोई भी IC लगी हुई है, सब का हम काम इजीली अब कर लेंगे, इतने अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। उसी तरीके से उनके बताने के हिसाब से ही मैंने खुद अपने खुद से एक स्ट्रक्चर भी बनाया है लाइट सेक्शन का, जैसे उन्होंने बताया तो मैंने सर खुद बनाया ये। जी सर। तो कैसा लग रहा भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी बताओ इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपकी आईसी की पेडलाइन उखड़ी है, आपका कंपोनेंट निकले, उस सेट को भी बना रहे हो? वो भी बना लेंगे सर जी, मिड लेयर सरफेस लेयर में जो लेयर होती है वो भी सब की जानकारी सब है और सब बना लेंगे। जो भी लाइन अगर कोई कटी भी होगी तो हम सीपीयू तक से भी सब निकाल के बना लेंगे, लाइट चालू करके देंगे। जी सर। सुशांत पटनायक, ओडिशा। सुशांत पटनायक, ओडिशा। सुशांत, आप कितने समय से काम कर रहे थे मोबाइल का? 6-7 साल। 6-7 साल का काम कर रहे थे तो मोबाइल खोलना और बंद करना और चार्जिंग कनेक्टर वाला काम था आपके पास, राइट? यस सर। तो अभी सीपीयू पे पहली बार काम किया, एक्सपीरियंस था आपको काम करने में? नहीं, पहली बार किया। पहली बार काम किया? आईसी का पहली बार काम? पहली बार काम किया। और जो सर्किट का नॉलेज आपको देव सर्किट ने यहाँ पर दिया है, आईसीओ का नॉलेज दिया है, देव सर ने सर्किट का नॉलेज दिया है, तो क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? अभी तक जो सेक्शन हुए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब तो एक एक दिन जिस दिन से शुरू हुआ था उसी दिन से सर का लेवल मतलब बहुत ही हाई से ही वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और जो भी सेक्शन हमें आज तक पढ़ाया गया और एक एक ही नॉलेज पूरी जानकारी हो चुकी है। गलत रिव्यू तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर, गलत रिव्यू क्यों देंगे सर, गलत रिव्यू देना कोई चांस ही नहीं। आज की मैं स्पेशली लाइट की बात करूं तो? लाइट की बात करें तो लाइट का सब्जेक्ट तो बहुत छोटा है और फिर भी सर ने बहुत समय दे के हमें उस सब आईसी का नॉलेज दिया और ट्रेसिंग कैसे किया जाता है और छोटे छोटे बारीकी से हमें मालूम कराया। अनदर स्टूडेंट नेक्स्ट। सर मेरा नाम सानान, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सर आज हमारा लाइट सेक्शन का क्लास था देव सर के साथ, और लाइट से आने वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट में चलते हैं, अभी चार्जिंग सेक्शन के बाद सब लाइट से चलते। क्या होता है कि जब हम डिस्प्ले फोल्डर चेंज करते हैं, अगर गलत डिस्प्ले लगाया तो हमारा लाइट ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो एनोड की लाइट, हाँ, तो उस चक्कर में हमारे से बहुत ऐसा मोबाइल पहला डेड होता था, हम बहुत परेशान होते थे, हर कस्टमर को जवाब नहीं दे पाते थे कि क्या हो गया ऐसा फोल्डर के लिए, हाँ लटका के देते थे। और ये लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं था, यूट्यूब में कोई जानकारी सही से मिलता नहीं था, इसकी वजह से भी मोबाइल डेड होते थे। पर अभी इधर आके ऐसा लगा कि सब कुछ जानकारी अच्छे से मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमको सर्किट 1, सर्किट 2, PML क्या होता है, PMI क्या होता है, 63P क्या होता है, इसके बारे में कैसा
ये आईसी रहेगा तो कैसा पैनल का सब कुछ अच्छे से एकदम डिटेल्स में नॉलेज मिल गया है। अगर इस कौन सा भी सर्किट में फॉल्ट आएगा तो तुरंत बन जाएगा। तो ये बताइए मेरे को कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये जितने भी सर्किट है सबका नॉलेज मिल गया, उसके बाद आपको आज कैसा फील हो रहा है? आज ऐसा लग रहा है कि हमसे कितना मोबाइल खराब हो गया है पहले, और अभी आएगा तो ये रिटर्न नहीं जाएगा एक भी मोबाइल। अभी वो रिटर्न जाने की नहीं नहीं रिटर्न देव, पहला तो मैं जो लोग देखते लाइव अभी उनके लिए बोलना चाहता है, अगर कोई बोलता रहेगा ये फर्जी है, ये कोई ऐसा होता है क्या 7 दिन में 6 दिन में, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर एसी टेलीकॉम आएंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, इधर आके सब कुछ जेन्युइन है, हो भी जाता है इधर आके, अगर प्रेशर रहेगा एक्सपीरियंस रहेगा तो भी हो जाएगा। और आपकी जगह वो खड़ा होगा और ये रिव्यू दे रहा होगा, इधर जब आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इधर क्या होता है। ठीक है सर, ओके, चलिए इधर आइए। यस सर। तो चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। गौरव। गौरव, गौरव यहाँ से आने से पहले क्या पोजीशन थी आपकी और अभी क्या पोजीशन है? पहले बहुत लो थे। आपकी उम्र क्या है बताओ? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स इनकी एज है, और अभी क्या पोजीशन है 28 तारीख से लेके अभी तक? अभी इतना पोजीशन है सर, हम 10 साल वाले बंदे को भी टक्कर दे देंगे। पक्का पक्का पक्का। ये इसके लिए नॉलेज किसके देने भाई? देव सर की, पहले से लेके 28 तारीख से लेके आज तक का क्लास उनकी, देव सर की। यस सर, देव सर की देने सर, सब कुछ देव सर की देने। यस सर। और अगर यहाँ पर आप भी फ्रेशर थे? यस सर, फ्रेशर। बिन फ्रेशर यहाँ पे आए, ज्वाइन किया आपने? यस सर। अभी आप क्या क्या कर सकते हो ये बताइए? अभी सर सीपीयू रिवॉल कुछ भी करा लो मोबाइल फोन में, सीपीयू वाली रिवॉल की निकालना लगाना सब कर सकते हो? सब कर देंगे, निकाल भी देंगे लगा भी देंगे। सीपीयू जैसे मदरबोर्ड में कौन कौन सी आईसी आती है, जैसे सीपीयू आती है, पावर, पावर आती है? यस सर, सब निकाल के रिवॉल करके वापस लगा देंगे, निकाल के वापस लगा। यस सर। और ये काम किया आपने यहाँ? यहाँ पर किया है सर। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को, आज लाइट सेक्शन था, कल ग्राफिक सेक्शन था, दोनों के बारे में बताइए सर। दोनों इतने छोटे छोटे चैप्टर थे, लेकिन फिर भी देव सर ने हमें 6-6 घंटे पढ़ा के बहुत डीपली नॉलेज दिया है उनका। चलिए जी सर, मोहम्मद सलीम, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से। सलीम ये बताइए मेरे को, आज की क्लास और तुम्हारी क्लास में फ्रेशर कितने बैठे और किस लेवल से नॉलेज मिल रहा है? सर पहले एक बात बताऊँ मैं, कि चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, जिसका मतलब अपना एक एक्सपीरियंस है, जब एशिया टेलीकॉम के अंदर हम आते हैं ना, यहाँ जैसे पढ़ाते हैं जो लेवल है उसके सामने सब फ्रेशर ही है, कोई नॉलेज वाला नहीं है। जहाँ की जो नॉलेज है ना वो बिल्कुल अलग है सर। यस सर, ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है। यस, ग्राउंड सही है सर, और पेट में भी सेंसर होता। जी सर, बराबर है सर। जी सर, ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है। जी सर, और पेट में भी सेंसर होता है। सेंसर होता है, बराबर सर। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे कोई फ्रेशर है चाहे कोई एक्सपीरियंस वाला है, उसको एशिया टेलीकॉम आना चाहिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो लेवल है ना एशिया टेलीकॉम का, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहाँ प्रेशर आता है तो उसको मेहनत करने का सही प्लेटफॉर्म मिलता है सर। प्लेटफॉर्म मिलता है कि उसको मेहनत एक्चुअल करना किस दिशा में? Yes, सही। हाँ सर, हाँ। अगर उसमें अगर अपना साल भर देते हैं ईमानदारी से, तो फिर क्या पोजीशन होगी उसकी? सर वो अच्छा, ये गौरव, गौरव एक मिनट फिर से आना। ये गौरव है, ये फ्रेशर है। जी सर। आज इनने सीपीयू बीएमसी पावर सब निकाल के लाइटों को समझा। थोड़ा आगे आइए, यहाँ पे आइए। ये आपके साथ में फ्रेशर है, अब इनकी उम्र मात्र 17 साल है। जी सर। अब ये प्रैक्टिस करके कहाँ जाने वाले हैं भाई? सर मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, मगर मैं यहाँ आया ना, जब मैंने देखा मैं खुद को खुद मतलब फ्रेशर ही पाया, मेरे लेवल का बराबर ही है सर। बराबर साथ में चल रहे हैं, साथ में इन्होंने भी उतना किया, मैंने भी उतना किया, साथ में ही है, उम्र का तो कोई लेवल ही नहीं है। तो सर कोई अगर ये बोले कि भैया पहले उसको 6 महीने प्रैक्टिस करना चाहिए दूसरी जगह जाकर? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एशिया टेलीकॉम में जिसने अभी तक हाथ में भी नहीं उठाया होगा, खोला भी नहीं होगा, वो यहाँ आएगा ना वो भी। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जिसने जीवन में आज तक SMD और आयरन को कभी टच नहीं किया था, और किस किस ने लगाई यहाँ पे आईसी? ये देखिए ये हाथ खड़े हो रहे हैं इनके, इन्होंने आज कभी टच नहीं की थी, SMD टच नहीं की थी, कभी हाथ में पकड़ी नहीं थी, और उसके बाद लगाया इन्होंने यहाँ। सर मैंने यहाँ देखा ना ये, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं किया होगा वो भी करेगा यहाँ पे, यहाँ की टीम ही ऐसी है। चलिए आइए।
हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो सर, मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मेरे देव सर के साथ क्लास थी लाइट आईसी की, तो पहले मुझे बहुत टफ लगता था। मेरे दुकान से जो भी सेट आते थे, कई सेट मैंने रिटर्न किए हैं और ज़्यादातर रिटर्न ही गए हैं, बनते बहुत ही कम थे। और आज की डेट में ये पोजीशन है, कोई भी आईसी का सेट भी आ जाए तो मैं बना के दे दूँगा। जैसे सर्किट ए हो चाहे बी हो, कोई भी सर्किट हो, अब मैं बना के दे दूँगा। अभी करंट में यहाँ पे टेस्टिंग करते समय एक पीसीबी बाइंड हो गया था, शॉर्ट हो गया था, पूरा शॉर्ट हो गया, बिल्कुल निकल गया था, बिल्कुल आपके सामने निकला था, बिल्कुल सर। हेलो, यस सर। कितनी देर लगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 8 मिनट बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा है। और रेडी हो गया सर, समझ में आया? यस सर। आग लगने के बाद रेडी हो गया, अब सोचो आपकी कस्टमर का जेन्युइन फॉल्ट आएगा तो आपको पॉसिबल ही नहीं है सर कि वापस जाएगा शॉप से। मुर्दा शमशान में आएगा तो नहीं जाएगा, जले बगैर नहीं जाएगा सर। मुर्दा अगर शमशान में आया तो जले बगैर नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। मुर्दा शमशान में आता तो जले बगैर नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, ये मेरे चेहरे से बता सकते हैं कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत ही अच्छी लेवल से सर ने समझाया है मुझे और बताया भी है, कोई भी सर्किट किसी प्रकार का हो वो वापस नहीं जाने वाला है। आपको नोट्स कॉपी पे कॉपी भरना पड़ रहा है कि आपके दिमाग में? नहीं, सीधा डायरेक्ट दिमाग में स्टोर हो रहा है। और तब भी सर नोट करा रहे हैं मुझे कि बाई चांस कहीं अगर मैं लटक जाता हूँ या नहीं रहता है तो मैं उसको बैकअप ले सकूँ उसका, और लाइफ टाइम बैकअप की फैसिलिटी तो है ही हमारे पास कि कभी भी मैं आ सकता हूँ एशिया टेलीकॉम। चलिए, एक और स्टूडेंट है। सर, मेरा नाम अजीम है, मैं तेलंगाना से हूँ। और आज देव सर के साथ हमारी लाइट सेक्शन की क्लास थी, और लाइट सेक्शन की क्लास ऐसी सर ने पढ़ा है कि हमारे अंदर भी एक लाइट, सर ने एक लाइट जला दी हमारे अंदर जो बंद थी। उस सर की पढ़ाई की वजह से अब सबकी लाइट जल गई है। और मैं मेरे टेक्नीशियन भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी यहाँ पे आओगे तो सर इजीली आपकी भी लाइट जला देंगे और आपको इतना इजीली पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आप भी समझ जाओगे इजीली। बराबर। अच्छा, किस स्टूडेंट ने आना चाहिए? एक्सपीरियंस होल्डर ने आना चाहिए कि फ्रेशर ने आना चाहिए? नहीं सर, कोई भी आ सकता है सर, एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो आ सकता है सर। अच्छा, एक्सपीरियंस वाला एक गवर्नमेंट में रहता है, मैं तो इतना बड़ा टेक्नीशियन हूं, मैं जाऊंगा तो शर्म आएगी, तो उन्हें शर्माना चाहिए सर, बिंदास आ जाना चाहिए। और जो एक फ्रेशर है तो उसके बाद एक सवाल या चिन्ह होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या मैं पढ़ पाऊँगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे तो आईसीयू के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था सर, फिर सिर्फ डिस्प्ले, टच, ये सब नॉर्मल काम करता था। बट अभी इतना नॉलेज आ गया है बोर्ड के बारे में कि हर चीज़ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सर। अजी, हैदराबाद में बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट का बाजार है। हाँ सर, बोल सकता हूँ मैं ऐसा? हाँ सर, हैदराबाद में इंस्टीट्यूट का बाजार है, इंस्टीट्यूट का मार्केट है ना। कुत्ते को पत्थर मारो तो इंस्टीट्यूट वाले को लग जाता है ना, कुत्ते को पत्थर मारो तो गलती से फिर वो वापस जाके इंस्टीट्यूट वाले को लग जाता है। हाँ सर, है ना, जितने इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। हाँ सर, सर वो सभी सबको छोड़ के यहाँ पर सर, वो सभी उसमें से काफ़ी लोग ने यहाँ से आके कोर्स करके गए, तो मैं सब ब्रांच पे क्यों जाऊँ, मेन पे क्यों नहीं जाऊँ सर? अच्छा, मेन पे जाके यहीं पे जो कंटेंट मिलता है। जानकारी आपको पहले से थी? हाँ सर। चलिए जी, नमस्कार सर, हमारे सामने गुजरात के लाल अर्जुन सर। अर्जुन सिंह जी सर। अर्जुन बताइए। जी सर, आज सुबह सर 11 बजे से हमारे देव सर के साथ क्लास चालू हुई थी सर, आज हमारा लाइट सेक्शन था सर। सर, देव सर ने इतना डीपली और इतना अच्छा समझाया लाइट सेक्शन के बारे में कि अगर कोई मतलब ऐसे आधी रात को भी कोई मतलब पूछेगा तो भी मतलब वो लाइट सेक्शन के सारे कंपोनेंट्स जो है वो सब हम समझा सकते हैं, और कोई मोबाइल भी ऐसा आएगा कभी भी तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं सर, बना के भेज सकते हैं, चाहे वो मोबाइल पूरा कोई दूसरे दुकान वाले जिसको नॉलेज नहीं है उसने पूरा ख़राब भी कर दिया होगा लाइट सेक्शन, तो भी हम उसे वापस बना सकते हैं सर। हमने सर 87 का मोबाइल किसी भी देखी अभी लाइट सेक्शन? हाँ सर, है ना, और 2022 की भी देखी सर। तो देर लगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल देर नहीं लगी सर, नहीं लगती सर। हाँ सर, वो बहुत सर जैसे देव सर समझाते ना सर, पहले तो बहुत टफ लगता है कि लाइट सेक्शन कैसा होगा, ये सेक्शन कैसा है, ग्राफिक्स कैसा है, ठीक है, सीपीयू को कैसे मतलब रिवॉल्व करना है, कैसे लगाना है, जैसे पहले सोचते तो बहुत हार्ड लगता है, टफ लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं देव सर हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल करते, इतना ईजी हो जाता है सर, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम खिलौने से खेल रहे हैं सर, बहुत इजी हो जाता है सर। हाँ सर, एक जब समझ में नहीं होता है सर तब तो बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार समझ गए और वो भी देव सर जो समझाते हैं वो तो सर बहुत डीपली नॉलेज देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच जी सर, धन्यवाद जी।
नमस्ते सर, मैं बिक्की प्रसाद आसाम से। सर आज हमारा लाइट सेक्शन था जो कि मेरे लिए बहुत टफ लगता था और मेरे से कभी भी लाइट सेक्शन बना नहीं था आज तक, लेकिन आज जैसा हम लोग को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला है उससे मुझे ये लगता है कि लाइट सेक्शन बहुत ही छोटा सेक्शन है सर। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम हो इजीली हम लोग उसको ट्रेस करके बना सकते हैं सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसा है कि आज हमारा 7 से 8 दिन का क्लास हुआ है, 7 से 8 दिन में मैं उससे पहले 4-5 साल से जो काम करता था सर YouTube से देख देख के, वो मेरे से सक्सेस नहीं होता था। और YouTube में मैं ये भी सर्च किया था कि IC कैसे रिबूल किया जाता है, वो उसका ऊपर भी मैंने अपना कोशिश किया रहा, वो मेरे से हुआ नहीं रहा। लेकिन एशिया टेलीकॉम का टीम और देव सर का नॉलेज के वजह से हम लोग का जो हैंड स्किल है बहुत अच्छा हो चुका है सर डेट में। जी आज का डेट में पहले तो हम लोग छोटा छोटा जैसे कि CMIC खोलते थे, जंपर लगाते थे, और आज तो सर हम लोग CPU लेवल या फिर पावर IC सब हम लोग खोल के रिबूल करके आराम से रिमाउंट कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई नया फ्रेशर आना चाहता है बेझिझक एशिया टेलीकॉम के साथ आके जुड़े और अपना नॉलेज को बढ़ाए, और साथ में धैर्य शक्ति बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो टीम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर यहाँ पर अगर बीम फ्रेशर अगर कोई आता है, जी सर है ना, बीम फ्रेशर कोई आता है, जी सर, तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता, या 10 साल वाले को ही आना चाहिए? वो बेझिझक आए यहाँ पे और हमारे एशिया टेलीकॉम टीम के साथ जुड़ के अपना नॉलेज इकट्ठा करे और अपना कामयाबी के चुम अपना कदम आगे बढ़ाए। 28 तारीख से 4 दिन, जी सर, जी सर, 8 दिन की क्लास में, 28 तारीख से 8 दिन की क्लास में ऐसा कोई कंटेंट जो यहाँ पर देव सर ने पढ़ाया हो और तुमको समझ में नहीं आया? ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ सर। और रह गया बात कि अभी जितना दिन मतलब आज जैसे कि 7वीं से 8वीं दिन है और एक एक दिन आगे बढ़ेगा तो हम लोग मतलब कि पूरा PCB A to Z पूरा ज्ञान लेके ही जाएंगे यहाँ से। क्या बोलोगे सर के लिए? सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, सर बहुत सपोर्टिव है हम लोग के लिए, और सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जो आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल के हम लोग को नॉलेज देते हैं। सर को अपने जीवन का आइडियल कौन कौन बनाना चाहता है? यस सर, सर सर बहुत अच्छे हैं सर, अमेजिंग सर, जितना स्ट्रिक है बहुत अच्छे हैं भाई, स्ट्रिक होना चाहिए कि नहीं? यस सर, स्ट्रिक होना चाहिए कि नहीं? सर बताइए। बहुत अच्छे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हेलो, मुकेश कुमार वेस्ट बंगाल सर। जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मुकेश बताइए। आज लाइट 28 तारीख से लेके तो आज 4 तारीख तक, जी है ना, तो ये बताइए मेरे को कि 28 तारीख से 4 तारीख तक 8 दिन का सफर एशिया टेलीकॉम में, ऐसे कौन सा एक दिन का कंटेंट कि जो एशिया टेलीकॉम ने आपको डिलीवर्ड किया है और तुम्हारे दिमाग में नहीं? ऐसा कोई ऐसा समय ही नहीं है, जो तरीका है पढ़ाने का और समझाने का वो बहुत ही अद्भुत है, जो नहीं समझने का तो कोई चांस ही नहीं है। और बता रहे हैं कि अगर कोई आदमी जो नया है अगर सीखना चाह रहे हैं तो आए, और जो काम कर रहे हैं वो तो पहले है। अच्छा, नया आदमी फ्रेशर आदमी यहाँ पर किस लिए आया है, थोड़ा सा बताओगे? एक हाँ सर, दो जने आओ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, साथ में आओ। नया आदमी क्यों आया यहाँ पर? नया को तो आना चाहिए, वो आने के बाद पता चला कि हम बुढ़ा हो चुके हैं इस नॉलेज में, बराबर, तब तो उनको पता चला कि क्या होता है, वो सब पहले का था, अभी कुछ उनको जब देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है तब उन्हें पता चलेगा। किस लिए आना चाहिए सर? असल में जो फ्रेश होते हैं ना इसमें, उन वो कहीं भी जाते हैं ना सीखने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, अभी पहले कहीं से बेसिक सीख के आओ, बराबर, ये क्या कि उनको भेज देते हैं वापस, बराबर, तो उनकी उनका क्या है कि उनकी हिम्मत टूट जाती है, वो फिर ये लाइन में आते ही नहीं है, जल्दी से कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे वहाँ भी यही बोलेंगे भाई थोड़ा बेस बना के आ जा। वो एशिया टेलीकॉम ही है सर, मतलब कुछ झूठ वूट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने छुआ भी नहीं था फ़ोन, और मेरे सामने आपने पूछा भी एक स्टूडेंट को कि फ़ोन खोला है कभी,
उन्होंने बोला था कि हाँ खोला है, तो आपने एक फ़ोन के बारे में पूछा था कि उसको कहाँ से खोलेंगे, तो उसके पास जवाब था ही नहीं क्योंकि उसने खोला ही नहीं था उसको, तो कीपैड वाला, हाँ कीपैड वाला खोला होगा। तो वो हमारे साथ ही चल रहे हैं आज ये 8 दिन के अंदर, उन्होंने सीपीयू लगा दिया हमारे साथ ही चल रहे हैं, हर एक चीज में, हर एक क्लास में, हर एक सेक्शन में हमारे साथ ही बराबर चल रहे हैं और बराबर कर रहे हैं सर, इक्वल है। हाँ सर, फ्रेशर के लिए इसीलिए ये मतलब ये मैसेज है कि एशिया टेलीकॉम आओ, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई कहीं से पहले बेसिक बन के आ जाओ या कुछ सीख के आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेझिझक आ जाओ। प्रेशर इसलिए आना चाहिए क्योंकि अभी कह रहा है वो कहीं पे काम सीखने जाता है तो उसको शॉप पे सबसे पहले तो चार्ज पे करते हैं उससे कि मुझे 5-10 हज़ार रुपये दे महीने के और मेरे यहाँ काम सीख, तो अगर वो 5-6 महीने वहाँ पे काम भी करता है तो माइक और सीसी के अलावा उसका काम इससे आगे नहीं जा सकता है। अच्छा, वो माइक सीसी को बस इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग समझता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होता है कि माइक सीसी चार्जर और डिस्प्ले कनेक्टर बहुत से बहुत हुआ तो उन्हें डिस्प्ले कनेक्टर बस चेंज कर लेगा, इसको ही रिपेयरिंग बोलते हैं, इसके ही रिपेयरिंग बोलते हैं। अगर वो डायरेक्ट सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, अगर मुझे देख रहा है तो बिल्कुल आए यहाँ पर, और बिल्कुल बेसिक आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपने कभी हॉट गन या फिर आयरन कुछ भी नहीं चलाया हो, आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं और पूर्ण नॉलेज मिलेगी सर आपको यहाँ। पर्सनल काम ज़्यादा करा दिए, बात सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रखा ही इसलिए जाता है उसे कि आप नॉर्मली बेसिक काम सीख लो पहले, जो मैन है उसका वही काम सीख लो। ठीक है, थैंक यू। ये मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, सुजीत कुमार, उड़ीसा से। उड़ीसा से आप एक दिन लेट आए थे मेरी क्लास में। जी सर। आप मेरी क्लास 28 को चालू हुई थी, आप 29 को आए थे। जी सर। तो 28 से 29 तारीख को आने के बाद आपकी एक दिन की गेप होने के बाद, तो गेप कब रिकवर हुई कि नहीं हुई? जी सर रिकवर हुई। क्या लेवल का नॉलेज मिल रहा है आपको? सर यहाँ पे सब मिलता है, मतलब सीपीयू कंपोनेंट से लेकर सीपीयू तक रिवॉल्व सब मिलता है। अच्छा, आपने लाइव सीपीयू लगाया अभी? जी सर। अभी मतलब लगाने के, हमारी क्लास में तो लगा ही लगाया था, इसके अलावा लाइव सीपीयू लगाया आपने? लाइव सीपीयू लगाया ना आपने? जी सर। लाइव सीपीयू यहाँ बैठ के लगाया ना? जी सर। तो कैसा लग रहा है भाई तुमको, और अभी जो क्लासेस मिल रही है ग्राफिक्स की, लाइट की क्लास और आर्डियो की क्लास और सर बहुत अच्छा लग रहा है, देव सर के द्वारा कैसा नॉलेज मिल रहा है आपको? कभी सोचा था आपको कि इतना नॉलेज एक बार में? सर मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इतना नॉलेज मिलेगा इतना जल्दी। लाइट सेक्शन में कोई मोबाइल आता है बन जाएगा सर? श्योर श्योर श्योर। सर मेरा नाम है अयन, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। अयन, सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे, तुम कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। 6-7 साल काम करने वाला भी है और 0 दिन काम करने वाला है, ये प्रेशर भी है? यस सर, ये प्रेशर भी है। तो दोनों एक ही पैदल पे थोड़ा सामने खड़े हूँ, है ना? हाँ सर। प्रेशर भी है, ये एकदम प्रेशर है स्टूडेंट में, ठीक है? और आप 8 साल के काम कर रहे हैं सर? 8 साल से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो 28 तारीख को आए थे तो उससे लेके आज जो 4 तारीख हो रहे हैं, जो हमको हम लोगों को जो सीखने को मिला है, जो कंपोनेंट के बारे में जानने को मिला है, जो मोबाइल में ऐसा ऐसा फॉल्टी भी आता है, इस सेक्शन से ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो तो हमको मालूम नहीं था। तो जो फ्रेशर थे उसको भी मालूम नहीं था, वो यहाँ पे आके तो सेम ही इक्वली हम लोग सीख रहे हैं और सर सिखा रहे हैं। आप 8 साल से काम कर रहे हैं, जो कोई भी आना चाहते तो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे आके एकदम फ्रेशली सीख सकते हैं। चलिए, मेरा नाम प्रकाश है सर, नेपाल से। जी सर। आज लाइट सेक्शन, लाइट सेक्शन बहुत मजा आया सर। कैसा आया? एकदम मजा आया। सीपीयू कितनी बार लगाया? सीपीयू लगाया सर 3-4 बार। 3-4 बार लगाया? जी सर। अभी स्किल है तुम्हारे पास? हाई स्किल सर, लग जाएगा। मैं बोलता हूँ कि कोई सी भी दुनिया का कोई सा भी सीपीयू दे दो और यूनिवर्सल से रिवॉल्व कर दो तो कर देंगे सर। कड़क तरीके से कर देंगे सर। इसके पहले कुछ काम कर रहा था क्या? नहीं सर, कभी नहीं आईसी पे काम किया था। आईसी पे काम कभी नहीं किया था। अभी आईसी के मास्टर लगी? हाँ सर, आईसी लगे। बहुत सारी क्लासेस अभी तो बात। और अभी ये बताइए मेरे को, लाइट का ग्राफिक्स का जो क्लास चल रहा है क्या लेवल से? सर एक भी सेट वापस नहीं जाएगा। एक भी सेट नहीं जाएगा? एक बार क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए।